subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आधार पुना वाले ने जो स्टेटमेंट किया था कि मैं अब इंडिया वापस नहीं आऊंगा, और इसलिए कांग्रेस को उसकी चिंता हुई, यानी कि देश की सरकार ने जो कोविड शील्ड बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई उनकी इस वैक्सीनेशन में होने वाली थी, लेकिन ये निर्णय के वजह से हम लोगों ने जो भी उनको, क्योंकि उनके स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि मेरा सिरछेद करने वाले हैं और मुझे बड़े नेताओं ने धमकी दी है, ऐसा जो वक्तव्य उनका आया तो हमने उनको ये आपके माध्यम से ये बताना चाहते कि देश में उनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। आज देश के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेशन का काम इंडिया में ही करना है, इंडिया के लोगों को वैक्सीनेशन देना है और उनकी जानें बचाना है। उनको कुछ भी हो तो कांग्रेस उनके साथ रहेगा, उनकी पूरी सुरक्षा का जवाबदारी कांग्रेस लेंगी। लेकिन उनका जो वक्तव्य था कि हमें बड़े नेताओं ने धमकाया है, तो ये नेता कौन है, किसने धमकाया उनको, ये भी बात सामने उन्हें लाना चाहिए। उन्हें आज ही उनका इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था तो उन्हें कहा कि मैं हिंदुस्तान में वापस आ रहा हूँ, तो हम उसका स्वागत करते हैं।